सो हाय दोस्तों, यहाँ पे मेरे मोबाइल का दो स्क्रीन दिख रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया था, वो था टेलीग्राम स्क्रीन शेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये वीडियो पे तो काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट देखने को मिला और ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा लगा सभी को। तो व्हाट्सएप पे भी एक ऐसे ही अपडेट आया है स्क्रीन शेयर को लेकर के। आगे मैं वीडियो में डिटेल बाय डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से स्क्रीन शेयर किया जाता है व्हाट्सएप पे। अगर आपके व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि सपोज डेट, यहाँ पे मैं अभी आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि मेरा ये फ़ोन है, एक ये फ़ोन है। तो मेरे इस व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन शेयर का अपडेट था वो मिल चुका है, बट इस व्हाट्सएप पे नहीं मिला है। मैं अभी आपको कॉल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पे कॉल लगाता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये शेयर का ऑप्शन मिला है अभी व्हाट्सएप पे, बट इस वाले पे अभी नहीं आया इस शेयर स्क्रीन का ऑप्शन, बट इस फ़ोन में आ चुका है। अगर आपके फ़ोन में इस तरह से शेयर का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना व्हाट्सएप को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो कुछ टाइम के बाद आपको मिल जाएगा, थोड़ा वेट कर ले। तो इससे होगा क्या कि अगर किसी से आप वीडियो कॉल बात कर रहे हैं या वॉइस कॉल बात कर रहे हैं, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, अलाउ व्हाट्सएप टू रिकॉर्ड और कास्ट योर स्क्रीन। ठीक है, जैसे इस पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है स्क्रीन शेयर होने लगेगा। सपोज डैट कि मैं अपने फ़ोन में इसे बैक करता हूँ तो इस फ़ोन में भी मेरा स्क्रीन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था, ये वीडियो था टेलीग्राम से रिलेटेड, बट इसमें ऑप्शन ये था कि हमें ग्रुप बनाना पड़ता था इस टेलीग्राम पे, तब जाकर हम स्क्रीन शेयर कर सकते थे। बट अभी जो है व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप पर्सनली किसी को भी कॉल करके आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, काफ़ी फ़ायदा है इससे। फ़ायदा क्या है, सपोज डैट कि ये मेरा फ़ोन है, ये मेरे फैमिली मेम्बर का किसी का फ़ोन है, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड का है, और इसके फ़ोन में कोई इशू आ जाता है, जैसे ऐप से रिलेटेड या कोई सेटिंग से रिलेटेड इशू आ जाता है और इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से सेटिंग करना है, और आपको पता है ये सेटिंग, आप उसे बता रहे हो फिर भी उसको पता नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे इस तरह से स्क्रीन शेयर करके आप उसे बता सकते हो देख करके उसका स्क्रीन कि भाई ये सेटिंग ऐसे कर लो, इस तरह से होगा। तो वो आसान तरीके से सेटिंग कर सकता है अपने फ़ोन में। तो ये जो अपडेट है व्हाट्सएप का स्क्रीन शेयर का, वो काफ़ी अच्छा लगा, और इससे आप उसके फ़ोन का हर एक चीज़ देख सकते हो स्क्रीन शेयर करके। यहाँ पे मैं जो भी अपने फ़ोन में कर रहा हूँ यहाँ पे वो सारा कुछ मेरे इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। मैं जो भी वर्क इस फ़ोन में कर रहा हूँ वो इस फ़ोन में मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है, इस फ़ोन में। मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप फेसबुक ऑन किया तो इसमें फेसबुक भी ऑन हो चुका है। इस फ़ोन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो फोन जो चीज़ आप इस फ़ोन में करोगे, जिस फ़ोन में आप स्क्रीन शेयर करोगे, वही फ़ोन का सारा कुछ इस फ़ोन में दिखाएगा। अगर मैं इस फ़ोन का स्क्रीन शेयर इस पे फ़ोन में करता हूँ तो इस फ़ोन का सारा डिटेल इस फ़ोन में दिखाएगा, अगर इस फ़ोन को मैं इसमें किया हूँ तो इस फ़ोन का इसमें दिखाएगा सारा डिटेल। तो यहाँ पर मैं जो भी करूँगा यहाँ पर सारा कुछ इस फ़ोन में भी शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक काम कर रहा है। तो ये व्हाट्सएप का न्यू अपडेट है, अगर आप सभी को नहीं मिला है तो थोड़ा टाइम तक आप वेट कर ले, आपको भी मिल जाएगा ये अपडेट। तो ये इस अपडेट का आप गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करेंगे, क्योंकि ये अपडेट पर्सनली व्हाट्सएप ने डाला है कि कोई इशू हो तो वो सॉल्व अप कर सकते हैं। और ये सेटिंग आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप सभी के लिए मैं हमेशा ऐसा टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के साथ न्यू वीडियो में।